लोकसभा चुनाव की तैयारी अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के साथ अन्य दलों ने भी शुरू कर दी। कोटा संभाग में लोकसभा की दो सीट आती है, जिसमें कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र और झालावाड़ावार लोकसभा क्षेत्र, यह दोनों ही लोकसभा क्षेत्र लंबे समय से बीजेपी के पास है। इसे बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, जिसे भेद पाना कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। नमस्कार, मैं दीपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी। आज हम बात करेंगे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की। चंबल किनारे बसा कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी की राजधानी है। राजस्थान के तौर पर देखा जाए तो यह एक तरह से बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के बागी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद अब तक इस सीट पर कुल 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 4 बार कांग्रेस तो 7 बार बीजेपी ने इस पर जीत पाई है और ओम बिरला लगातार यहां से 2 बार सांसद बने हैं। इस बार भाजपा ने तीसरी बार ओम बिरला को यहां से उतारा है। वैसे तो यहां की जनता झटका देना भी जानती है, एक ही प्रत्याशी या पार्टी को 2 बार से ज्यादा कुर्सी पर नहीं बैठाती। अब ये चली आ रही परंपरा क्या ओम बिरला या भाजपा के लिए मुसीबत बनेगी, यह तो देखने वाली बात है। कोटा बूंदी संसदीय सीट पर 8 विधानसभा सीट है। कोटा जिले में कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, सांगोद, पीपलदा, रामगंज मंडी विधानसभा और बूंदी जिले में केशवराय पाटन और बूंदी विधानसभा सीट आती है। विधानसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर 4 पर भाजपा तो 4 पर कांग्रेस काबिज है। कोटा बूंदी लोकसभा में 8 विधानसभा सीटों पर 20,62,000 मतदाता है, जिसमें 10,61,000 पुरुष तो 10,01,000 महिला मतदाता है। अब देखने वाली बात होगी कि ओम बिरला इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर कांग्रेस यहां पर बाजी मारने में कामयाब होगी। अगर बात करें उम्मीदवारों के राजनीतिक कैरियर की तो यहां पर ओम बिरला ने 2003 में कोटा दक्षिण से चुनाव लड़ा था, पहला विधानसभा चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के शांति धारीवाल को रिकॉर्ड मतों से हराकर अपनी जीत हासिल की। अगले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2008 में कांग्रेस के निकटतम उम्मीदवार रामकिशन वर्मा को बड़े वोटों के अंतर से हराया, अपनी सीट का बचाव किया। संसद सदस्य बनने से पहले ओम बिरला ने 2013 में अपना तीसरा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के पंकज मेहता के खिलाफ लड़ा और अपनी जीत हासिल की। 2003 से 2008 अपने कार्यकाल में वह राजस्थान में संसदीय सचिव के पद पर भी रहे। कोटा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में बिरला 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। 16वीं लोकसभा चुनाव में वह ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति और सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य थे और 2019 में ओम बिरला को 17वीं लोकसभा सीट का लोकसभा में अध्यक्ष बनाया। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। कोटा राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में वह पद पर सबसे पहली जीत हासिल की। बीजेपी में 30 साल इससे कार्य करने के बाद पहली बार रामगंज मंडी से विधानसभा के चुनाव लड़े और वहां से जीते भी। इसके बाद गुंजल हिंडोली से निर्दलीय विधायक विधानसभा के चुनाव लड़े और कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक चांदना के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर गुंजल कोटा उत्तर से बीजेपी के चुनाव लड़े और जीत दर्ज की, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनाव से लगातार हारते आ रहे हैं और फिर बाद में कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन्हें कोटा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। तो ये थे कोटा लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण। दोनों ही दिग्गज नेताओं में टक्कर मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता और 2 बार से लगातार सांसद ओम बिरला, तो दूसरी तरफ देखें तो भाजपा से बागी हुई है और कांग्रेस के में दामन थामा नेता प्रहलाद गुंजल अपने क्षेत्र में गद्दावर नेता माने जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस सीट पर किसकी जीत होती है। अगली कड़ी में एक और ऐसी लोकसभा सीट हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।